नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी के समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए चैप्टर के साथ। आज के हमारे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का वह सभी भाग व सभी पार्ट्स जिसे हम बहुत ही आसानी से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर का वह सभी टचेबल डिवाइस जिसे हम टच करके छू करके जिस पर काम करते हैं, कंप्यूटर का वह सभी डिवाइसेज हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर की मदद से ही हम अपने डेटा को कंप्यूटर तक, यानी कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तक पहुंचा पाते हैं और कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को भी हम लोग हार्डवेयर की सहायता से ही देख पाते हैं और समझ पाते हैं। जैसे हार्डवेयर के कुछ उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, मॉनिटर, SMPS, UPS इत्यादि। दोस्तों, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे सभी हार्डवेयर जो CPU के अंदर लगे हुए होते हैं वह इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, SMPS, रैम, रोम इत्यादि। और कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स, वे सभी हार्डवेयर जो कंप्यूटर के बाहर रहते हैं जिसे हम लोग आसानी से देख पाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। इंटरनल हार्डवेयर कंप्यूटर के CPU कैबिनेट के अंदर लगे कंप्यूटर पार्ट्स को कहते हैं, जैसे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, रोम इत्यादि। कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स भी दो भागों में बटे हुए हैं, पहला है प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरा है मेमोरी यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के प्रोसेस करने का कार्य करता है, अर्थात कंप्यूटर के वे सभी हार्डवेयर जो प्रोसेसिंग करने का कार्य करते हैं वे प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रोसेसर, मदरबोर्ड, DVD राइटर इत्यादि। इसी तरह से कंप्यूटर के एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंतर्गत आने वाले मेमोरी यूनिट को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं तथा सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, चिप इत्यादि आते हैं। दोस्तों, ये सब थे कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर, और इंटरनल हार्डवेयर के अंतर्गत और भी क्या क्या हार्डवेयर आते हैं। लेकिन कंप्यूटर के एक्सटर्नल हार्डवेयर को भी दो भागों में बांटा गया है, इनपुट हार्डवेयर और आउटपुट हार्डवेयर, जिसे हम लोग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। जो डिवाइस हमारे निर्देशों या हमारे कच्चे तथ्यों को CPU तक पहुंचाने का कार्य करते हैं उसे इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन और वेब कैमरा। माउस के द्वारा हम अपने हैंड मूवमेंट को कंप्यूटर तक पहुंचाने कार्य करते हैं। कीबोर्ड से हम कुछ भी लिख करके, टाइप करके कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी तरह के डेटा को स्कैन करके उसे एक पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर CPU तक पहुंचाने कार्य करते हैं। सेम इसी तरह से माइक्रोफोन के माध्यम से हम अपने वॉइस को, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर डिजिटल साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे हम CPU तक पहुंचाते हैं। जॉयस्टिक भी एक प्रकार का माउस होता है जिसे गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, या बड़े बड़े मॉल में अगर आप जाइएगा जहाँ पर गेम बच्चों के लिए लगाया जाता है वहाँ पर जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वह गेम को आसानी से खेल पाते हैं, आसानी से चला पाते हैं। टच स्क्रीन भी एक तरह का इनपुट हार्डवेयर ही होता है, क्योंकि जो टच स्क्रीन होता है वह हार्ड होता है जिसे हम लोग टच कर पाते हैं। नेक्स्ट है वेब कैमरा। वेब कैमरा यानी कि वेब कैम, जिसकी सहायता से हम लोग पिक्चर को क्लिक कर पाते हैं और वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। वेब कैमरा की सहायता से ही हम किसी भी प्रकार के पिक्चर को क्लिक करके उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और उस पर अलग अलग तरह के डिजाइनिंग करते हैं। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के इनपुट हार्डवेयर के बारे में समझा और उसके एग्जांपल और वह किस तरह से इनपुट कार्य करते हैं इन सभी को समझे। कंप्यूटर के आउटपुट हार्डवेयर क्या क्या होते हैं और यह किस तरह से कार्य करते हैं इसे भी समझते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के जिस डिवाइस के माध्यम से CPU द्वारा दिया गया रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन हम समझ पाते हैं उसे आउटपुट यूनिट यानी कि आउटपुट डिवाइस या आउटपुट हार्डवेयर कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल है मॉनिटर, जो कि पहले नंबर पर आता है। हम जो भी डेटा प्रोसेस करते हैं वह हमें फर्स्ट मॉनिटर के द्वारा ही दिखाया जाता है और इसलिए मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है। दूसरा है प्रिंटर, जो भी डेटा हम लोग
बनाते हैं कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन में, वह एक सॉफ्ट कॉपी होता है, लेकिन उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम और हार्ड कॉपी में प्रिंट कर हम तक पहुंचाने का काम प्रिंटर ही करता है, और इसीलिए प्रिंटर कंप्यूटर का आउटपुट हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हम डेटा को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, इसलिए प्रोजेक्टर भी कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। और इसके बाद स्पीकर्स और हेडफोन हैं। स्पीकर और हेडफोन दोनों ही कंप्यूटर के साउंड को हम तक पहुंचाते हैं। इन दोनों के माध्यम से ही हम कंप्यूटर में होने वाले गतिविधियों और आवाज को सुन पाते हैं, तो इसलिए यह भी कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को कंप्यूटर के हार्डवेयर के सभी पार्ट्स को बहुत ही जल्दी से, बहुत ही तेजी से, बहुत ही क्विकली बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, जो कि काफी लंबा होगा, और सॉफ्टवेयर में काफी बारीकियों को भी हम आप लोग को बताएंगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और वह किस आधार पर बांटे गए हैं, किस तरह के कार्यों को करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।